ये लोग दंगा फैलाने के लिए बारा धरना पे आया था। ये लोग बिहार के गया पटना रोड में चाकंद के पास स्थित शांति बाग में पिछले 3 महीने से CAA, NPR और NRC के विरोध में धरने पर बैठे लोगों पर 3 युवकों ने फायरिंग कर दी, जिसके बाद धरना स्थल पर अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया और इस बीच भीड़ में शामिल कुछ युवकों ने फायरिंग करने वाले युवकों को दबोच लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। खबरों के मुताबिक संविधान बचाओ देश बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले CAA, NPR और NRC के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। बीती रात ऑटो से आए 3 युवकों ने आकर यहां फायरिंग की। इस फायरिंग में कोई घायल तो नहीं हुआ, पर धरने पर बैठे लोगों ने 3 आरोपियों को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं सिटी SP राकेश कुमार के मुताबिक घटनास्थल से एक देसी कट्टा, एक खोखा और कई कारतूस बरामद किया गया है और पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। साथ ही 3 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। न्यूज़ डेस्क।